ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान पर बड़ा कदम उठाते हुए चीन जल्द सभी तरह के पेट्रोल और डीजल कारों के प्रोडक्शन और सेल्स पर पूरी तरह से बैन करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के बाद चीन इस समय सबसे अधिक ईंधन की खपत करने वाला देश है। चीन इस समय गाड़ियों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसके वजह से बड़ी मात्रा में प्रदूषण पर्यावरण में घुल रहा है। इस समस्या पर विश्व के अलग अलग देश विचार कर रहे हैं। इससे पहले यूके और फ्रांस ने इस समस्या पर कदम उठाते हुए 2040 तक सभी तरह की नई डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। फिलहाल चीन ने अभी यह साफ नहीं किया है कि वह कब इन गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाएगा। उम्मीद है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा और प्रदूषण को देखते हुए वह जल्दी इसे सख्ती लागू करेगा। पिछले साल चाइना ने विश्व का लगभग एक तिहाई यानी 28 मिलियन गाड़ियों का निर्माण किया था। लग्जरी गाड़ियों बनाने वाली वॉल्वो 2019 तक चीन में अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने की तैयारी में है। इसके साथ फोर्ड 2025 तक चीन में लगभग अपनी 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ पेश करेगी। इसी क्रम में भारत सरकार ने भी 2030 तक देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के लक्ष्य पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक और बायो ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले गाड़ियों की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए।